क्या हुआ बेटी, इतनी गुस्से में क्यों हो? कहाँ चले गए थे आप पापा? बॉस का फोन आया था। वहाँ से बात करते करते फुटपाथ से मैं कहाँ चला गया, बाद में कुछ पता ही नहीं चला मुझे मैं कहाँ आ गया हूँ, और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पर कैसे हुआ? मैं आपको हॉस्पिटल। सुनो तो, घबराने की बात नहीं है, बड़ा कुछ नहीं हुआ है। बाएं हाथ में छोटी सी चोट आई है, स्कूटर वाला मुझे क्लिनिक ले गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। वो सब छोड़ दो, कृष्णा आया था कि नहीं, तुम लोग मिले ना? हाँ पापा आया था, हम दोनों ने आपका इंतजार किया। आप नहीं आए तो उसने कहा अगली बार पापा से मिल लूंगा, और वो चला गया। सॉरी बेटा, ये मेरी गलती है, अगली बार जरूर मिलेंगे। तुम क्या बना रही हो? एक कॉफी बना कर दोगी? सर दर्द हो रहा है। ठीक है पापा, तो फिर लेकर आना। क्या हुआ कृष्णा, तुमने रात को लिखना शुरू कर दिया? चेलो भाई वो क्या है, मुझे एक सपना आया था। हाँ? तुझे भी सपने आते हैं? भाई आंख वालों को आंख बंद करने पे सपना आता है, हमें तो। वैसे भी तुम कभी हो ना, वैसे तुमने सपने में देखा क्या, जरा बताओगे? सपने में मैंने तुलसी को देखा। इससे पहले एक बार माँ को देखा था, इस बार जिस लड़की को देखा है पता है वो कितनी सुंदर है? जैसी मैंने कल्पना की थी बिल्कुल वैसी है। मैंने सपने में उसे प्रपोज किया। कृष्णा कहा जाता है सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं, तेरे सपने में आने वाली तेरे जीवन में पक्का आएगी। तुम सीधे जाके उसे प्रपोज कर दो। ए कृष्णा, ऐसे ही सोचते रहोगे तो अपने शादी का कार्ड देके वो तुझे शादी में बुलाएगी। लेट मत कर, पहले ही मुलाकात में प्रपोज कर दे। ओके? हाँ, ठीक है। तुम अपने सपने को कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बोलो ना। आपके पापा संडे के दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कोई प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, फोन पर सिग्नल नहीं मिल रहा था तो पार्क के बाहर चले गए। और क्या हुआ भाई? अरे यार फिर से गाड़ी खराब हो गई। अब इस गाड़ी को भंगार में दे देना चाहिए यार। चलो भाई उतरो सब लोग, दूसरी बस में भेजता हूँ आपको। ठीक है चलो उतरते हैं। कृष्णा, मेरी बचपन से एक छोटी सी ख्वाहिश थी, मैं पूरी तरह से भीगना चाहती हूँ, ऊपर से गिरने वाली एक एक बूंद को फील करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहती हूँ, चलोगे मेरे साथ? मन की आंखों से प्यार पाने का वक्त है, तुम्हारे साथ भीगने से कैसे मना कर दूं? चलो भीगते हैं।
कृष्णा, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कॉफी पिलाती हूँ। तुमने ऐसी कॉफी कभी नहीं पी होगी। अच्छा? हाँ। तो चलो। हाँ, आ जाओ तुलसी, बहुत दिनों के बाद दिख रही हो। पापा नहीं आए क्या? नहीं। ये सर कौन है? फ्रेंड है क्या? हाँ, फ्रेंड है। बारिश में तुम दोनों भीगते हुए क्यों आए हो? कोई छतरी वतरी नहीं मिली क्या? ठीक है, दोनों बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। दो नंबर टेबल पे दो कॉफी। मोड़ो नंबर टेबल, ग्रैंड कॉफी। मुझे दो। कृष्णा, मैं हर रोज सोचती हूँ कि तुमसे एक बात कहूँ, लेकिन हर रोज भूल जाती हूँ। लाइब्रेरी से मुझे एक कविता संकलन की बुक मिली है। मल्लिगे नाम के एक अंधे कवि ने एक किताब लिखी है। पता है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। तुम जैसी सुनाते हो और इसमें जो कविताएं सेम फीलिंग्स वाली हैं। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसे पढ़कर लगता है जैसे तुम ही ने लिखी हो। ब्रेल में लिखा हुआ है। इसे लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ब्रेल समझना बहुत जरूरी है। उस कवि की आंखें नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना कितनी सुंदर है। इसमें से एक कविता तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ, कह दो अंधेरों से कहीं और जाकर घर बनाएं। मेरे मुल्क में तो अब रोशनी का सैलाब आया है। और इसके आगे लिखा है, रोशनी में जाने से तभी रोशनी में साफ साफ दिखाई देता है। तुलसी, कॉफी। सर, सर, कॉफी। एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना आके किसी को कभी पैदा नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन अंधेरे से ही भर जाता है। लेकिन मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम मिले हो कृष्णा। अब तुम्हारी ही आंखों से मैं अपने आगे का जीवन देखना चाहती हूँ। क्या हुआ कृष्णा, चुप क्यों बैठे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ए कृष्णा, 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 लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड बुला रहा है। चलो चलते हैं। अच्छा कृष्णा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। आइए मैम, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से तो बस 100 कदम पर ही मेरा घर है। बाय। ठीक है, चलो चलते हैं।